हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। ये वीडियो में मैं कोई शेर व शायरी, कोई गज़ल, कोई नज़्म नहीं सुनाने वाला। ये वीडियो एक अपने आप में एक अलग तरीके का एक प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है। और तो बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पहले पहले बातचीत शुरू करते हैं, पहले अपना वो प्रयोग शुरू करते हैं, उसके बाद जो बातचीत होगी वो आपसे वीडियो के अंत के हिस्से में होगी, ताकि आप जो है ज़्यादा बोर ना हों और समझ पाएँ कि क्या इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। तो मैं आपको कुछ तीन किस्से सुनाऊंगा, बहुत छोटे छोटे से किस्से हैं, मेरे जीवन के, मेरे निजी तौर के किस्से हैं वो, और वो तीनों मेरी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों के तीन अलग अलग किस्से हैं, वह मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। और उसके बाद वो किस्से क्यों सुना रहा हूँ, आज के दिन या अभी के दिन उनका क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है उनका, वो मैं आपको बताऊँगा। तो पहले आप किस्से सुनिए, ताकि जिनको सिर्फ किस्से सुनने में अगर इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ वो सुन के वीडियो को रोक दीजिएगा, और अगर जिनको कुछ डिस्कोर्स में इंटरेस्ट है कि भाई हाँ कुछ मतलब बातचीत में, तो उसके बाद वो वीडियो जारी रख सकते हैं। तो पहला किस्सा है, मैं करीब फोर्थ क्लास में रहा हूँगा, मान लीजिए फोर्थ या फिफ्थ में, फिफ्थ क्लास या फोर्थ क्लास में रहा हूँगा। तो मैं साइकिल चला रहा था अपने दोस्तों के साथ, हम सबके पास साइकिल थी, दो तीन दोस्त हैं मेरे, हम लोग साइकिल चला रहे थे, साइकिल चला के जा रहे थे। तो जब हम साइकिल चला के जा रहे थे ना, तो मेरी साइकिल गलती से एक बुज़ुर्ग महिला जा रही थी, उनसे टकरा गया मेरी साइकिल का आगे का पहिया। बहुत धीमे से टकराया था, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको उसकी वजह से कोई चोटिल हो गई हों या घायल हो गई हों, लेकिन वो बहुत धीरे से टकरा गया। और जब वो टकरा गया तो मैं भी घबरा गया, मैंने रोका, मैंने उनको तुरंत सॉरी वॉरी बोला, मैंने बोला अम्मा मुझे मतलब आई एम सॉरी गलती हो गई मेरे से। लेकिन अम्मा ने जो था वो नहीं सुनी मेरी बात बिल्कुल भी, अम्मा तो भड़कना शुरू हो गई मेरे ऊपर, और ऐसा भड़कीं कि अम्मा ने मुझे दुनिया भर की गालियाँ सुना डाली, बहुत कुछ जो था मेरे को मतलब सुना डाला। शायद अब मेरी अगर उम्र वो होती जो अभी मेरी उम्र है, या फिर उसके कुछ साल बाद शायद वो मेरी उम्र होती, तो मुझको वो बात उतना घर नहीं करती, मुझको बात उतनी नहीं चुभती, क्योंकि मैं समझता कि यार उम्र है, अम्मा की उम्र हो चली है, अम्मा बुज़ुर्ग हैं, कोई बात नहीं, अम्मा को बोल लेने दो। लेकिन उस वक्त वो चीज़ मुझे बहुत चुभी, और मतलब क्योंकि मैं फिफ्थ क्लास में था, फिफ्थ क्लास का बच्चा क्या ही होता है, अगर उसको कोई डांट दे तो उसके लिए बहुत एक मानसिक तौर पे वो परेशान हो जाता है, और जहाँ एक महिला, जहाँ बच्चे ने सॉरी भी बोल दिया हो और उसके बाद भी उसको सुनाया जाता रहे, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ कहीं ना कहीं चुभ जानी है। वो चीज़ मुझे बहुत चुभी, और इसलिए भी चुभी क्योंकि आसपास मेरे यार दोस्त थे, उनके सामने मुझे अपमानित महसूस हो रहा था। मैं मतलब जाहिर सी बात है वो मुझे सुना रही थी और पता नहीं क्या क्या शब्द बोल रही थी, अब तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरा अपमान करने की फुल कोशिश, या वो कोशिश क्या बल्कि कर ही रही थी, तो मैं अपमानित भी महसूस हो रहा था अपने दोस्तों के सामने। तो वो होता रहा, फिलहाल खैर एक समय सीमा होती है। फिर मेरे एक दोस्तों को भी लगा जो उस चीज़ पर हंस रहे थे, क्योंकि बचपन का दौर होता है, हम लोग एक दूसरे की मजाक बनाते थे बचपन में इसी तरीके से, तो वो लोग जो हंस रहे थे, वो स्थिति इतनी ऐसी हुई कि वो भी, उन्होंने भी स्थिति को समझा और फिर बोला कि एक दोस्त ने मेरे बोला अम्मा अब गलती हो गई, उसने सॉरी बोल दिया आपसे, आप माफ़ कर दो। अम्मा उसके ऊपर भी चढ़ गई, अम्मा ने उसको बोला कि तेरी निकालूं अभी मैं सॉरी और ये और वो, और ऐसा करके वो ख़त्म किया। अब जो वहाँ आसपास के लोग थे, जो आसपास वो देख रहे थे, तो उन्होंने अम्मा को जाने दिया और हम लोगों को बोला यार तुम बहुत बदतमीज़ बच्चे हो यार, ध्यान रखा करो यार, तुम ऐसे वैसे करते हो, बड़े बुज़ुर्गों को परेशान करते हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बड़े रुआसे से होकर रूठ कर हम घर आ गए अपने, हमने घर पर किसी से ये बात अपने जिक्र भी नहीं करना चाहा, हमें लगा यार हम ही जो हैं कितने ख़राब इंसान हैं यार, हम परेशान करते फिर रहे हैं, बाहर सुना भी हमने, उसके बाद लोगों ने भी हमको उस तरीके से चीज़ किया, वो गई आई गई बात ख़त्म हो गई। जैसे जैसे साल गुजरते गए वो बात मेरे भी जहन से निकलती गई। फिर अब दूसरा किस्सा है कुछ साल पहले का, तब मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था और मैं मसाजिद में जाता था नमाज वमाज पढ़ने। तो मैं एक बार मसाजिद में नमाज पढ़ने गया, तो फिर वहाँ क्या हुआ, मैं वुज़ू कर रहा था, तो चूँकि मैं इतनी उम्र नहीं थी मेरी, मैं शायद बालिग तो नहीं हुआ हूँ उस वक्त, ना इस्लामिक एज के हिसाब से, ना ही अपना इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से मैं बालिग तो नहीं था उस वक्त। तो मैं वुज़ू कर रहा था, तो वो मेरा वो टाइम था कि मतलब मैं नमाज वमाज सीख ही रहा था उस वक्त। तो जब मैं वुज़ू कर रहा था, तो वुज़ू करने में, मुँह धोने में, कुछ वुज़ू के छींटे सामने बैठे एक बुज़ुर्ग को चले गए।
अब वो बुज़ुर्ग इतना भड़के और उन्होंने मुझे वहीं सुनाना शुरू किया और मुझसे कहने लगे कि तुमको क्या है, तुमको पता भी है तुमको वुज़ू करने का सलीका नहीं है, तरीका नहीं है, तुम इस तरह से वुज़ू कर रहे हो कि मेरे ऊपर सारा वुज़ू का छींटा आ रहा है और इस तरीके का वुज़ू कबूल नहीं किया जाता, अल्लाह इस तरीके का वुज़ू कबूल नहीं करता जिस तरह का वुज़ू तुम कर रहे हो। तो अब मैं क्यों, चूँकि उस वक्त थोड़ा जवाब देने की हालत में हो चुका था, इतना बड़ा हो चुका था कि मैं चीज़ों का जवाब दे सकूँ, तो मैंने उनको बोला कि अल्लाह को तो गुस्सा भी नापसंद है, अल्लाह को तो ज़्यादा गुस्सा करने वाले लोग भी नापसंद हैं। तो बस मेरा ये जवाब था कि बुज़ुर्ग जो थे वो और तैश में आ गए। बुज़ुर्ग बोले कि तुम बदतमीज़ भी हो, तुम अनपढ़ जाहिल तो हो, उसके साथ तुम बदतमीज़ भी हो, तुम जवाब भी देते हो और मस्जिद के अंदर बुज़ुर्गों को जवाब देते हो, यही तुम्हारी तरबियत है, यही तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सिखाया होगा, और तमाम चीज़ें बुज़ुर्ग ने मुझे कहीं। मुझे वो भी बड़ा नागवार गुज़रा और मुझे वहाँ फिर ऐसा महसूस हुआ कि सिर्फ मुझे लगा कि यार मैं गलत तो नहीं था, मतलब माना कि मुझसे गलती हुई लेकिन मैं तो सीख रहा था ना, मतलब मुझे लगा कि बुज़ुर्ग का रवैया बेहतर हो सकता था, बुज़ुर्ग का रवैया शायद मुझे लेकर थोड़ा बेहतर हो सकता था या समझाने का तरीका थोड़ा बेहतर हो सकता था, मुझे लगा कि यहाँ इस तरह से मैं गलत नहीं हूँ। तो खैर वो भी आई गई बात ख़त्म हुई। अब ये जो तीसरा किस्सा है ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये अब मुश्किल से कुछ महीने पुराना ही है, जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता था। तो वहाँ क्या था, वहाँ एक जगह है शाहपुर जट में, शाहपुर जट के में एक जगह है फैशन स्ट्रीट करके उसका नाम है, वो मुझे पता नहीं क्या है, वो मैं उसका नाम नहीं लूँगा जगह का पर्टिकुलर, बट वो शायद जिस तरीके की स्ट्रीट है वो मैं समझ नहीं पाया, शायद वो वहाँ के लोकल्स का डोमिनेंस है वहाँ पे, अब उन्होंने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया है या क्या कर लिया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल उसके एक गेट की तरफ कुछ बुज़ुर्ग बैठते हैं, कुछ बुज़ुर्ग बुढ़े बैठते हैं वहाँ पर। तो वो बुढ़े जो हैं वहाँ पर उसको पूरा रेगुलेट करते हैं, वो एक तरीके से वॉचमैन है, तो वो वहाँ कौन आता है कौन जाता है उसके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं वहाँ पर वो। तो वो बुज़ुर्ग जो है जो उस चीज़ को वहाँ पर रखता है, वहाँ पे सब पे नज़र रखता है, वो इतनी बदतमीज़ी करता है, इतना बदतमीज़ बुज़ुर्ग है वो, इतना बदतमीज़ बुज़ुर्ग है कि मैं मतलब आपको उसकी डेफिनेशन नहीं दे सकता कि वो मतलब किस हद तक और किन लोगों को वो ज़्यादा मतलब एक तरीके से लिटरली मैं बोलूँगा जलील करने की, ह्यूमिलेट करने की कोशिश नहीं करता, पूरा पूरी उसके मतलब ये मिशन रहता है कि इन ख़ास तौर के इन बंदों को मुझको ह्यूमिलेट करना है। अब वो किस तरह के बंदों को आप सुनिएगा, जैसे मैं हूँ, मतलब ये थोड़ा चेहरा वेरा ऐसा है कि मैंने कपड़े वपड़े ठीक ठाक से पहन के रखे हैं, मैं जा रहा हूँ, तो मुझे वो ह्यूमिलेट नहीं करेगा। वो देखेगा कि कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो प्लम्बर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए स्विगी वाला कोई आ रहा है, स्विगी की टी शर्ट पहन रखी है उसने, स्विगी का बंदा है, जोमेटो का बंदा है, कोई पार्सल डिलीवरी का बंदा है, तो वो बुज़ुर्ग उससे इतनी बदतमीज़ी करेगा और बिना वजह के बदतमीज़ी करेगा। अगर वो सामने वाला उसका जवाब नहीं देगा तो भी वो बदतमीज़ी करेगा और तू तड़ाक गालियाँ गलौच ऐसी हरकतें करेगा वो, और वो करता है वहाँ पे और खूब करता है। तो उसे एक बार मेरी भी इसी चीज़ को लेकर बहस हुई, हालांकि मेरी एंट्री को लेकर नहीं हुई, वो एक शेर है ना मिर्ज़ा गालिब का, ठीक से याद नहीं है लेकिन कुछ कुछ शेर इसी तरीके से है मिर्ज़ा गालिब का कि किसको झिड़कना है और किसको बुलाना है देख कर लिबास ये दरबान समझ लेते हैं। तो एग्जैक्टली ये शेर नहीं है, मैंने थोड़ा तोड़ मरोड़ के सुनाया है कि किसको झिड़कना है और किसको मतलब पुकारना है ये देख कर लिबास ये दरबान समझ लेते हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट यही है कि कपड़े और हुलिया देख कर दरबान समझ लेते हैं कि हाँ ये मतलब क्लास, आप जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जिस्ट में कि क्लास कितना मैटर करती है। तो वहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि वो क्लास देखता है कि हाँ बंदा इस क्लास का है तो फिर उससे कुछ नहीं बोलेगा, और क्योंकि वो देखता है कि अगर यार स्विगी जोमेटो ये लेबर क्लास है तो उसको जितना हो सकता है वो जलील करने की कोशिश करता है। अब वो अपनी इस चीज़ को डिफेंड कैसे करता है, उसके पास क्या चीज़ है कि वो इतनी बड़ी चीज़ को भी अपने उस पूरे एरिया में डिफेंड कर रहा है।